बिहार को मिली 6 नई ट्रेन की सौगात, और यह ट्रेन जुलाई के महीने में 21 तारीख से इन सभी ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। सभी ट्रेनों की लिस्ट के साथ साथ इनके टाइमिंग अपडेट की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान बाबा धाम आने और जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाया जाएगा। ऐसे में पहली ट्रेन बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से आसनसोल के लिए चलेगी। यह ट्रेन ट्रेन नंबर 03511 के साथ आसनसोल से पटना के लिए चलाई जानी है, और प्रत्येक सप्ताह के यह ट्रेन दो दिन रवाना की जाएगी। इसके साथ ही दूसरी ट्रेन बिहार के रास्ते चलाई जाएगी, जो कि वाराणसी से सियालदह के लिए चलेगी। दोनों ही ट्रेनों के डिटेल्स की बात करें तो रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आसनसोल से पटना के बीच चलने वाली द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 4:50 पर शाम में ट्रेन नंबर 03511 के साथ आसनसोल से रवाना होगी, और यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को दूसरे दिशा में यानी कि पटना से आसनसोल जाने के क्रम में चलाई जाएगी। पटना और आसनसोल के बीच एक और नई ट्रेन रेलवे चलाने जा रही है, जो कि सप्ताह के तीन दिन इस ट्रेन का संचालन अप में और तीन दिन इस ट्रेन का संचालन डाउन में रेलवे करेगी। ये ट्रेन चितरंजन, मधुपुर, जसीडी, झाझा, जमुई, क्यूल, लखीसराय, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना के रास्ते चलेगी। इस ट्रेन के अलावा सियालदह वाराणसी स्पेशल ट्रेन ट्रेन नंबर 03113 के साथ चलेगी, जो कि वाया डानकुनी के रास्ते चलाई जाएगी। 27 जुलाई से इस ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा, और यह ट्रेन भी बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जसीडी, झाझा, क्यूल, मोकामा, पटना, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलेगी। तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।